हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा ही होगा, हम लोग अभी आज सुबह ही हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचे ही हैं। और पहुंचने के बाद लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोगों ने एक गुरुद्वारा बुक किया है, गुरुद्वारे में एक रूम बुक किया है। तो हम लोग अभी गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये गुरुद्वारे से विंडो का नज़ारा है। जो हमें रूम मिला है वो 7th फ्लोर पर है, तो गुरुद्वारे के 7th फ्लोर से ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो ये हावड़ा ब्रिज है जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का व्यू है। ऊपर से व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। कई सारे यहाँ पर पुराने बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। और अभी शाम का वक्त हो रहा है। ये आप कुछ बर्ड्स वगैरह देख रहे हैं यहाँ के। तो हम लोग अभी लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। अभी हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट अभी ऊपर नहीं आ रही यार, बहुत टाइम हो गया। और हम लोग लिफ्ट से नीचे जाएंगे, वहाँ से हम लोग पहुँचेंगे हावड़ा ब्रिज के लिए। हावड़ा ब्रिज निकलेंगे। तो अभी लिफ्ट हमारी ऊपर आ रही है, नीचे की मार्केट दिखना। तो हम लोग नीचे आ गए हैं और ये गुरुद्वारे के बाहर का MG रोड है। ये कोलकाता का MG रोड का मार्केट, चलिए, जिसको MG रोड या MG मार्केट के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर क्लोथ मार्केट है। यहाँ पर कई तरीके के कपड़े की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ये रेलवे स्टेशन के जस्ट क्रॉसिंग वाला रोड है, MG रोड। ये पूरा मार्केट आप देखेंगे, यहाँ पर आपको अगर कोई ज़रूरत का सामान अगर चाहिए तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे कपड़ों की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। ये बच्चों के कपड़े, ये जैकेट्स भी हैं यहाँ पर। ये MG रोड है जो आप देख रहे हैं। ये ट्रैम, यहाँ पर ट्रैम की लाइन बिछी हुई है बहुत पुरानी। अब तो ट्रैम काफ़ी बंद हो चुकी है, ट्रैम बंद हो चुकी है। तो जब भी आप कोलकाता पहुंचेंगे आपको कई सारी पुरानी पुरानी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे टैक्सी बहुत पुरानी वहां चलती हैं। आप देख रहे हैं येलो कलर की टैक्सी वहां पर अभी तक चलती है। ये एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर, ओ माय गॉड, बाइक वाला गिर गया। ये ज़रूर इस रेलवे लाइन की वजह से गिरा है, वहाँ पर इसकी बाइक एक्टिवा स्लिप कर गई जिसकी वजह से ये गिर गया। यह शाम के समय हम लोग निकले थे रविंद्रनाथ सेतु ब्रिज घूमने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये यहाँ की लोकल मार्केट है। ये ट्रैफिक आप देख ही रहे हैं कैसा रहता है यहाँ पर। दोस्तों हमको जाना है इस वाले पुल पे, काफी अच्छा नज़ारा। ये है हमारा चौराया और इस चौराहे को हम करेंगे क्रॉस।
हाँ हाँ चलो चलो। कोलकाता के अंदर मैंने देखा है कि यात्री साथी ऐप चलती है, वहाँ अगर आप कभी भी कोलकाता पहुँचते हैं तो यात्री साथी ऐप डाउनलोड करके आप किसी भी टैक्सी को बुक करके कहीं भी घूम सकते हैं। ये सामने आपको हावड़ा ब्रिज देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप कोलकाता घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कोलकाता बाय ट्रेन और बाय एयर बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रेन से आएंगे तो ट्रेन आपको हावड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुँचाएगी, चाहे तो आप सियालदा रेलवे स्टेशन भी पहुँच सकते हैं जो हावड़ा रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और कोलकाता का नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि हावड़ा से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है। तो या तो आप बाय एयर पहुंच सकते हैं कोलकाता या फिर बाय ट्रेन, जैसा कि आपको सूटेबल लगे। हावड़ा ब्रिज पर आ चुके हैं, चलो ज्वाली यात्रा होने वाले में क्रॉस करो। ये आप सामने देख रहे हैं हावड़ा ब्रिज जो बहुत ही पुराना है। ये हावड़ा ब्रिज 1936 में बनाया गया है और जिसका निर्माण 1942 में पूरा हुआ था। दोस्तों हमको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा गली सी में, आ जाओ आ जाओ। इस गली से अंदर हाँ मतलब फूल वगैरह तो हमने हावड़ा ब्रिज को कंटिन्यू कर लिया है। चलो चलते हैं, पैर छोड़ दो क्या तो। दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।